भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के अंतिचक थाना अंतर्गत मुंडन कार्यक्रम में आए एक ही परिवार के दो युवक और एक नाबालिग की गंगा में डूबने से मौत हो गई। ये तीनों गंगा में नहाने आए थे, इसी दौरान डूबने से तीनों की मौत हो गई। तीनों के शव को बरामद कर लिया गया है। घटना की पुष्टि कहलगांव CO रामावतार यादव ने कर दी है। मृतक में रोहित कुमार उम्र 22 साल, राहुल कुमार उम्र 20 साल, दोनों के पिता बिसुनदेव राय हैं। तीसरा मृतक जो कि नाबालिग है उसका नाम शिवम कुमार उम्र 14 साल, पिता संतोष राय हैं। ये तीनों पीरपैती के टोपरा दियारा के रहने वाले थे। ये लोग बटेश्वर में मुंडन कार्यक्रम में आए हुए थे। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य विक्की रानी लगातार गंगा तट पर डूबने की हो रही घटना को लेकर जिला प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं पीरपैती से पूर्व विधायक अमन पासवान ने घटना को दुखद बताते हुए मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बहुत बड़ी दुखद घटना है और ये क्षेत्र भी पीरपैती विधानसभा के अंतर्गत है, लेकिन ये गंगा घाट जो पड़ जाता है बटेश्वर स्थान से नीचे, ये रंगा प्रखंड के अंतर्गत आता है। लेकिन आज जब हम लोग जाने की 9 घटना हो चुका है, ये दिल को झकझोर दिया कि इस घटना से सभी लोग मर्माहत हैं। हम लोग आज आश्वस्त करते हैं कि आने वाले जल्द समय में इस घाट पर रिटर्न में एक बोर्ड बनवा के प्रशासन के द्वारा यथाशीघ्र चाहेंगे कि एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इस क्षेत्र के आगे 10 कदम 5 कदम के बाद गहराई खाई है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग प्रवेश ना करें। हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज के बाद इस तरह का घटना नहीं होगा। भागलपुर के समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जगदीशपुर प्रखंड के सदघरा में रह रहे विस्थापित लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि विस्थापित होने के बाद कई साल पहले इन्हें यहां पर बसाया गया था और इनके नाम से पर्चा दिया गया था। सरकार के द्वारा यहां पर सभी तरह की सरकारी योजनाएं भी दी गई और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, सड़क, बिजली, उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी मुहैया कराया गया, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर 30 तारीख तक जगह खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसके विरोध में विस्थापितों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि जब तक इन्हें दूसरी जगह पर बसाया नहीं जाता तब तक जगह नहीं खाली करेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी को मेमोरेंडम दिया गया है। जमीन है लेकिन घोषित कर रहा है, जमीन हम लोग का जो है वो खसरा संख्या 37 में है, पोखर जो है वो 38 में है, पोखर जीवित है, ये नहीं है कि हम लोग भत के उसमें घर बना लिए। रोड भी चालू है, आज से 1 महीना पहले जो है आदमी को उस जमीन पे इंदिरा आवास पास करती है, BDO साहब इंदिरा आवास देती है, और बाद में होता है कि उसी जमीन पे नोटिस दिया जाता है कि उसको तोड़ दिया जाए। किस आधार से फिर घर हम लोग को आवास दिया गया है? 26 तारीख तक का नोटिस दिया था, कल ही तक परसों आए थे CO साहब हम लोग के मोहल्ला मोइना करने के लिए। जब हम लोग बोले उनको तो बोला आप लोग प्रखंड आइए हम आपसे बात करेंगे, जब हम लोग गए तो CO साहब हम लोग से मिलने से इनकार चले गए। आगे हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, केस करेंगे, DM साहब से मिले हैं, DM साहब से मिलने आए हैं हम। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रन्नूचक गांव में ईंट भट्टा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईंट भट्टा विवाद को लेकर रन्नूचक गांव में 17 निर्दोष लोगों पर नाथनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज मामले में नाथनगर उप प्रमुख सहित रन्नूचक गांव के दर्जनों महिलाओं की टीम SSP बाबूराम से मिलकर निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर आवेदन दिया है। इस दौरान उप प्रमुख सहित महिला टीम ने रन्नूचक गांव में रामसागर सिंह के द्वारा अवैध ईंट भट्टा चलाए जाने का आरोप लगाया है। रन्नूचक गांव के दर्जनों महिलाओं ने SSP से निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर आवेदन दिया। सागर सिंह द्वारा जो चलाया गया ट्रैक्टर भट्टा के संदर्भ में, जबकि हम लोग वो ने पहले ही अर्जी दे दिए हैं SP साहब को, लेकिन उस पर कोई निष्पादन नहीं हुआ है। हाँ, थाना प्रभारी की मिलित भगत से ये काम हो रहा है, उन लोगों ने कभी इस पर सुपरविजन किए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पुनः वरीय पदाधिकारी द्वारा सुपरविजन करा करके इस केस को खंडित किया जाए, नहीं तो हम लोग
अगला दो दिन के अंदर हम लोग अनशन पर बैठेंगे। इसका अगर निष्पादन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ये बेटा क्या क्या मामला है? मामला ये है कि उन लोगों ने सबको निर्दोषों को केस में फंसा दिया, 17 निर्दोष को, जो कि इन लोगों से पैसे के बल पर उसका नाम दे दिया गया। हम मुखिया हैं, ऊपर मुख हैं, हम तो स्थल पर देखने के लिए जाएंगे ना। क्यों फंसाया गया, क्या कारण है उसका? कारण क्या है कि कुछ कोई बोले ना, हमारी दबंगता कायम रहे। सागर सिंह दबंग है, जी हाँ, वो पैसा के बल पर नाथनगर थाना को खरीद लिए हैं। नाथनगर थाना प्रभारी के द्वारा जो सुपरविजन किया गया वो गलत है। कारण क्या रहा है? एकदम दुर्घटना हुआ है, ठीक है, सारा काम हो रहा है, उसको मोटा रकम दे के दुर्घटना। ईंट भट्टा में जो गाड़ी चलता है वो मिट्टी का गाड़ी लदा हुआ था, ट्रैक्टर लदा हुआ था, एक ओबीसी बच्चे का उसमें एक्सीडेंट हो गया थे एहन प्रखंड। उस दिन तो सबको जब्त किया, ग्रामीणों ने घेर लिया, बच्चे मरणसन अवस्था में थे, तो उसको मान लीजिए कि देखने सभी ग्रामीण गए, तो उन लोगों ने क्या किया कि उसको एक स्कूल में लगा दिया और पैसे के बल पर सबको छुड़ा लिया। और 20 तारीख को ये घटना होती है और 26 तारीख को उन लोगों ने 17 निर्दोष को रंगदारी केस में फंसा दिया। हम आए बड़ी पदाधिकारी के पास कि आप सही ढंग से जांच करिए, नहीं हुआ सही ढंग से जांच, उसके मिली भगत से जांच करके और फंसाए जा रहे हैं। हम उपप्रमुख रन्नू चक से हैं, हमारा तो मामले को लेकर आए हैं, इस मामले को लेकर आए। ईंट भट्टा मालिक जो है एक बच्चा को कुचल दिया उस दिन, और उसी में हम गए देखने के लिए, वीडियो मैम के साथ हम गए थे स्थल पर देखने के लिए, जो कि उसी में हमारे पति प्राइवेट शिक्षक है, नवोदय सैनिक का तैयारी करवाते हैं, और उसने प्रमुख के नाम पे उसने FIR कर दिया रंगदारी केस हमारे पति के ऊपर। हम जीविका उपार्जन था, सब बच्चा चले गए, 17 आदमी पर किए हैं, हमारे पति प्राइवेट शिक्षक है, नवोदय सैनिक का। हम यही चाहते हैं बड़ी पदाधिकारी अपने स्तर से सही सही जांच करके इसका निष्पादन करे, खत्म करे, नहीं तो हम फिर अनशन पे बैठेंगे। हमारा सब बच्चा चले गए, हम जीविका उपार्जन था वो बच्चा। दूसरी ओर ईंट भट्टा चालक सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ईंट भट्टा वैध रूप से संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ संचालित किए जाने की बात कही। साई ब्रिक कंपनी के आशीष कुमार ने बताया कि मुखिया दबंग और बाहुबली है, जो भी बातें उन्होंने आवेदन में दी है कहीं से सही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए साई ब्रिक एजेंसी के आशीष कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द इस केस का निष्पादन करते हुए मामले में दूध का दूध एवं पानी का पानी किया जाए। वहीं SSP बाबूराम ने लोगों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उचित कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। राइडर हूं, रन्नू चक में जो मामला हुआ है वो मेरा भट्टा वैध रूप से चलाया जाता है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ हैं, प्रदूषण विभाग के, खनन विभाग के, पर्यावरण विभाग के, और ये लोग हमसे, मुखिया जो जीता है इसका यहाँ पे गैंग चलता है, और पंचायत समिति पंकज कुमार, पंचायत समिति पति पंकज कुमार का, और ये छोटे छोटे बच्चे के द्वारा। अब मेन मामला जो है, जो लगाया गया कि आपके द्वारा जो चलाया जाता है ट्रैक्टर, उससे जो है बच्चों का जो है एक्सीडेंट हुआ। जी ये बात बिल्कुल गलत है, ये मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है ट्रैक्टर से, ये लोग रंगदारी के लिए ये प्रोग्राम बना के और हम लोगों के साथ रंगदारी मांगा। एक दिन हम घर से जा रहे थे, भट्ठा से घर जा रहे थे, रास्ते में हम, मेरे साथ पूरा मारपीट मेरे स्टाफ के साथ किया, मेरा 2.5 लाख रुपया ले लिया और हमको जान से मारने का कोशिश किया, मेरे भाई के ऊपर गोली चलाया, अमृत कुमार सिंह के ऊपर, और ये सब आपराधिक छवि के आदमी हैं, ये बढ़िया छवि के आदमी नहीं हैं, इनके ऊपर और भी बहुत आरोप है। पंकज कुमार है वो 5 साल से कई केस उनके ऊपर है जिसमें कि वो आरोपित हैं, और उनकी सभी के उस पे आरोप भी है कि आप अवैध रूप से भट्टा चला रहे हैं। और जी नहीं सर, मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है, पर्यावरण, प्रदूषण विभाग, खनन विभाग, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और हम वैध रूप से भट्टा चलाते हैं, वो लाइसेंस हम आपको भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, जब भी कहिएगा सर हम आपको दिखा सकते हैं। भागलपुर विधिक संघ का 141वां स्थापना दिवस विधिक संघ परिसर में मनाया गया। इसमें जिला जज सहित कई जजों के साथ साथ काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
अधिवक्ताओं ने स्थापना दिवस के अवसर पर दो वर्षों से जो विधिक संघ की छवि धूमिल हो रही थी उसे फिर से कायम करने को लेकर संकल्प लिया। चुनाव के बाद नई कमेटी का गठन होने के बाद मनाया जा रहा स्थापना दिवस के अवसर पर महासचिव ने बताया कि दो सालों से कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही थी जिसे चुनाव के दौरान अधिवक्ताओं ने खारिज कर दिया और देश में जो विधिक संघ की छवि धूमिल हुई है उसे एक बार फिर से बेहतर करने का संकल्प लिया गया। यहाँ के कई अधिवक्ता न्यायिक अधिकारी बनकर गए हैं और यहाँ की छवि काफी अच्छी है, लेकिन कुछ समय से इस पर दाग लग गया था जिसको अब ठीक किया जाएगा। और आज 141वां ये स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग हाल में देखे होइएगा, वैसे बहुत सारे विद्वान अधिवक्ताओं का यहाँ के लोग बड़े बड़े न्यायाधीश भी बने, ऊँचे पद पर सुशोभित हुए, मुख्य न्यायाधीश भी बने, लेकिन विगत दो वर्ष से अराजक स्थिति यहाँ बना हुआ था। गुंडागर्दी वकील लोग गुंडागर्दी पर उतर गए थे और रोज लड़ाई झगड़ा झंझट यहाँ पर हो रहा था। आखिर चुनाव आया और चुनाव में हमको लोगों ने मौका दिया यहाँ सेवा करने का, शांति व्यवस्था स्थापित करने का। मैंने यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित किया है और सारे न्यायाधीश महोदय का और वकीलों का जो गौरव हम बढ़ावेंगे, बढ़ाते रहेंगे, जो प्रतिष्ठा हमारी धूमिल हुई है समाज में, देश और दुनिया में, जो हमारी प्रतिष्ठा भागलपुर विधिक संघ वकीलों की प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है उसको बढ़ाने का काम हम करेंगे। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन BSNL AUAB भागलपुर शाखा कर्मियों के द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय भागलपुर में अपने मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य तीन मांग वेतन रिवीजन, पेंशन रिवीजन और JEE को JTO में प्रमोशन के समर्थन में महाप्रबंधक कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार यदि हम सबों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में BSNL कर्मी मौजूद थे। रिवीजन और पेंशन रिवीजन के लिए मुख्य रूप से आज धरना कर अति प्रदर्शन कर रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी कमाई पर जो यह GM राज कर रहा है, यह भ्रष्टाचारी और तानाशाह GM, इनको वेतन रिवीजन मिल गया और हम लोगों को, हमारे जितने हम लोग अधिकारी और कर्मचारी हैं, इसको नहीं मिला है। ये इतना बड़ा सब लोग है मिल करके ऊपर में पाप कर रहा है कि हमारे कमाई पर जी रहा है, हमारे कमाई पर इसका सब अति है और हम लोगों को वेतन रिवीजन नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि सरकार हमको वेतन रिवीजन दे, हमारा DA मर्ज करे, नहीं तो आगे हम लोग और इससे उग्र आंदोलन करेंगे।